क्या हुआ यशोदा? ये देखिए आ रहे, ये क्या नई आपदा है? अरे आप आगे मत जाइए, आर्य ये सर बहुत ही विषैले और आक्रामक है, आप आगे मत जाइए, हट जाइए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब सर्प यहाँ आए कैसे। चिरायु, दिखाओ इन्हें कि किस तरह ये सर्प मनुष्यों को भयभीत कर सकते हैं। समस्त गोकुल के हृदय में इतना भय भर दो कि ये लोग अपने प्यारे कृष्णा को ही भूल जाए, और इस अवसर का लाभ उठाकर हम उस कृष्णा से अपने महाराज के अपमान का प्रतिशोध ले सके। नंदराज जी, उपनंद देखो ना ये सब क्या है। केवल यहां ही नहीं नंदराज, पूरे गोकुल से यही सूचना आ रही है, जितने भी जल के स्रोत हैं उन सब पर सर्प का निवास हो गया है। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु ने भी पानी पीना छोड़ दिया, कुछ कीजिए नंदराज वरना हम सब प्यास से प्राण त्याग देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, मैं क्या करूं? इन सब ने मुझसे आशा लगाई किंतु इन सर्पों का मैं करूंगा क्या? सब ठीक हो जाएगा बाबा, कोई ना कोई अल जरूर निकलेगा। हाँ काना, भ्राताश्री एक उपाय है, सुना है कपूर के धुएं से सर्प डरते हैं। शायद ये उपाय कोई काम आ जाए। उपनंद जैसा देवी रोहिणी ने कहा है वैसा करो, अग्नि और कपूर का प्रबंध करो। जी नंदराज आइए। उपनंद अग्नि संभाल के आ रहे, चिंता मत करो यशोदा, मुझे कुछ नहीं होगा। सभी स्त्रियां अपने बालकों के साथ भीतर चली जाएं, और जब तक बुलाया ना जाए बाहर नहीं आए, जाइए। प्रार्थना करो कि देवी रोहिणी का उपाय कार्य कर जाए। देखो चिरायु, देखो
किस तरह ये लोग व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये लोग जानते नहीं कि ये कोई साधारण सर्प नहीं है, ये विश्वान के सर्प हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये कैसे संभव? धुएं और ताप का इन सर्पों पे तनिक भी प्रभाव नहीं है। ये कोई साधारण सर्प नहीं है, ये अवश्य दुष्ट कंस का कोई नया मायावी षड्यंत्र है। ये सर्प अवश्य उसी ने भेजे होंगे।